दिल की जो मानो तो जग उठ जाए दिल की जो मानो तो जग जाए जग की जो मानो तो जान चली जाए ना दिल माने ना दुनिया दिल की जो मानो तो जग उठ जाए हेलो फ्रेंड्स This is जिनका जन्म हुआ था अठारह सौ उन्नीस में और मृत्यु हुआ था अठारह सो बानवे ईस्वी में ध्यान दीजिएगा सॉन्ग ऑफ माइ सेल्फ का यह पार्ट थर्ड है और लास्ट स्टेंजा पार्ट जीरो टू में जाकर आप देख सकते हैं फर्स्टा के बारे में तो इन कविता के माध्यम से सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जो लेखक है वाल्ट उटमैन कहना क्या चाहते सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी सॉन्ग का मतलब होता है गीत और माई सेल्फ का मतलब होता है कौन चीज खुद नहीं यानी खुद का गीत कहना उनका कि मैं खुद ही गाना गाता हूं और खुद ही क्या करता हूं जश्न मनाता हूं ध्यान दीजिएगा द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है किसके द्वारा रचित कविता है वाल्ट विटमैन के द्वारा जिसमें कवि ने अपने बारे में और उन लोगों के बारे में कहा है जो हमेशा उन बातों को मान लेते हैं जो सही होता है यानी जो बातें सही होता है वह क्या करते हैं कभी खुद भी मानते हैं और वे लोग भी मान लेते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं और वो कहते हैं कि वो भटकते रहते बिना काम के इधर उधर क्या करते हैं? भटकते यानी लोप करते जिसको वांडर कहते हैं आप लोग क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों से दुख होता है जो दूसरों को कष्ट देते हैं कभी हमारे कहते हैं कि हमें उन लोगों से दुख होता है जो दूसरे को क्या करते हैं कष्ट देते हैं और जैसे एक कांटा कांटा किसी चमरे में में घुमाने से होता मान लीजिए कि वो लेकर और अगर आपके चमरे में लगा दिया जाए तो कैसा महसूस होगा काफी दर्द करेगा तो वो कहते हैं कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं मुझे दुख होता है उन लोगों से जो दूसरे लोगों को क्या करते हैं कष्ट देते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वह एक दूसरे के बाद आए हैं कैसे कहते हैं कि जीवन भगवान की अनुपम देन होती है तो ध्यान दीजिएगा कभी स्पष्ट रूप से एक बात करते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं क्या है एक दूसरे के बाद आए हैं ऐसा तो नहीं एक ही बार पूरा दुनिया आ गया होगा और हम लोग चले जाएंगे तो दुनिया समाप्त हो जाएगा सभी एक दूसरे के बाद आए हैं वो कहते हैं कि जीवन जो होता है भगवान के एक अनुपम देन है अनुपम माने क्या एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत देन है और इसे खुशी पूर्वक जीना चाहिए हमें कोशिश हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम खुद तो खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखने का कोशिश करें कंप्लीट है तो आइए हम लोग लास्ट है आपके पास उसके बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए ध्यान दीजिएगा देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में अभी तक आपने पढ़ा कि कभी खुद गाते हैं खुद जश्न मनाते हैं उन्हें किसी की परवाह नहीं होती है। लेकिन एक बात उन्होंने लास्ट में कहा था जो फर्स्ट स्टेंजा चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि मैं सैतीस वर्ष का हूं लेकिन बिल्कुल क्या हूं स्वस्थ हूं ताकतवर हूं मुझे कोई भी रोग नहीं है और मैं आशा करता हूं कि मैं जीवन भर मृत्यु पर यानी जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मैं ऐसा ही बना रहूंगा और इसी के साथ आपका लास्ट स्टेंजा समाप्त हुआ तो, तो आइए हम लोग आज अंतिम स्टेंजा को देखते हैं और इसके बाद ये चैप्टर इंड करेंगे तो देखिए लिखा है कि क्रीड एंड स्कूल्स इन एवेंस गौर की जगह क्रीड का मतलब होता है धार्मिक विचारधारा या मान्यता धार्मिक विचारधारा समझते हैं जैसे हम हिंदू है तो हम हिंदू वाला विचारधारा लगाते हैं राम की बात करते हैं कृष्ण की बातें करते हैं नहीं और हम उन्हीं के गुणगान करते हैं उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलते हैं मंदिरों में आप पूजा करते हैं विभिन्न पेरो को पूजते हैं उसी तरीके से जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले होंगे जो कुरान पढ़ते होंगे वो अपने कुरान के अनुसार अपने विचार लाते होंगे लेकिन एक बात है, कोई भी अगर धर्म है तो कभी बुराई तो नहीं सिखाता है हम सभी को कैसी बातें सिखाता है अच्छाई के रास्ते पर तो क्रीड का मतलब होता है धार्मिक विचारधारा या मान्यता एंड स्कूल्स इन एवियंस एवेंस माने भुला देना क्या कहता सुनिए हमारे कभी कहते हैं कि धर्म से संबंधित चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो या कोई भी धर्म हो और कोई भी विचारधारा हो को भुला कर मैं जश्न मनाना चाहता हूँ क्रीड धार्मिक विचारधारा एंड स्कूल्स इन एवियंस मतलब मैं उन विचारधाराओं को उन मान्यताओं को चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो किसी भी विचारधारा पर चलने वाले हो मैं सबको एवियंस कर कर भुला कर और क्या करना चाहता हूं जश्न मनाना चाहता हूं खुशियां मनाना चाहता हूं ताकि मैं जीवन में अच्छा रहूँ, खुश रहूं और दूसरों को भी खुशियां दे सकूँ। तो ये लाइन था आपका पहला दूसरा करा रिटायरिंग बैक सफिस्ट वह सफिस्ट का मतलब बहुत अधिक एट वट दे आर बट नेवर फॉरगेटन नेवर माने कभी नहीं फॉरगेटन माने भूलना रिटायरिंग बैक रिटायरिंग बैक का मतलब होता है कि मान्यता धार्मिक जो मान्यता है और जो विचारधारा है मैं उसको भुलाकर क्या करना चाहता हूं जश्न मनाना चाहता हूं लेकिन क्या है ये जो है सफिस्ट है सफिस्ट का मतलब क्या होता है बहुत ही ज्यादा है और यहां पे सफिस्ट सफिस्ट का मतलब बहुत अधिक है ये जो धार्मिक मान्यता या विचारधारा जो है यह क्या है कहते कि बहुत अधिक है और एट व्हाट दे आर एट व्हाट दे आर जो कुछ भी है बट नेवर फॉरगेटेन इन विचारधाराओं को भुलाकर कहता कि इन विचारधाराओं को नेवर फॉरगेटेन नेवर माने कभी नहीं फॉरगेटेन माने भुलाया जा सकता है पैसे का वाक्य है। कहते हैं कि यह धार्मिक विचारधारा या मान्यता इतना ज्यादा है ना विचारधाराओं को भुलाया नहीं जा सकता है हम सही कहते हैं या हम बोल रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या विभिन्न मतों को जो मानने वाले हैं आप उन मतों को भुला के और जश्न मनाइए लेकिन कहता कि इतना ज्यादा हमारे देश में फैल चुकी है ना कि उसे भुलाया नहीं जा सकता वो आ ही जाएगा उस समय आई हार्बर फॉर गुड और बैड ध्यान दीजिएगा आई हार्बर फॉर गुड एंड बैड गुड माने अच्छा और बैड बुरा अच्छा और खराब कहिए या बुरा कही हार्बर की बात करता हूं हार्बर की बात करता हूं ऐसा नहीं कि मैं केवल अच्छाई की बात करता हूं या बुराई की बात करता हूं मैं दोनों पहलुओं में बातें करता हूं मैं अच्छा और बुरा दोनों में हार्बर विश्वास करता हूं नहीं ऐसा नहीं है कि वो खराबी है उसमें उसमें बुराई है तो मैं विश्वास नहीं करता मैं उसमें भी विश्वास करता हूँ और अच्छाई है तो भी बुराई उसमें विश्वास करता हूँ यानी कह कभी कि दोनों पहलुओं की मैं बात करता हूँ अच्छाई का भी बुराई का भी और मैं दोनों में विश्वास करता हूँ गुड में भी बैड में भी हर बार विश्वास करता हूँ आई परमिट टू स्पीक परमिट का मतलब होता है कौन चीज पता है अनुमति देना या स्वीकार करना कहता है परमिट टू स्पीक मैं बोलने का साहस करता हूं आई परमिट मैं स्वीकार करता हूं या साहस करता हूं एट एवरी हैजार्ड माने खतरा मान माने प्रत्येक कथा कि जितने भी खतरे ना हैजार्ड है आई परमिट टू स्पीक उन सभी खतरे में बोलने का साहस करता हूं ऐसा नहीं है कि मैं अच्छाई में तो खूब बोलता हूं और जब कोई बुरा करता तो मैं नहीं बोलता हूं मैं उसमें भी बोलता हूं जो चीजें अच्छी है उस पर भी बोलता हूं और जो चीजें बुरी है मैं उस पर भी बोलता हूं मैं चुप रहता जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखेगा कि अच्छाई जब रहेगा तो खूब गुणगान करेगा खूब बढ़िया से बतियाएगा और जब बुराई आ जाती है तो आपको शिकायत करना शुरू कर देगा उसमें बोलना यहाँ तक कि लोग तो बोलना भी बंद कर देते हैं देखेगा कि दो आदमी लड़ रहा है झगड़ रहा है तो बुराई है तो उस समय देखेगा तो थोड़ा सा कनकी काट के दूर चला जाता है नहीं रास्ते बदल लेता है कि हम भी कहीं चल जाएंगे हम भी फंस जाएंगे और फंस जाएंगे तो केस मुकदमा के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो वो है कि मैं हिम्मत हारता नहीं हूं नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी नेचर माने क्या होता है प्रकृति प्रकृति माने क्या होता जो आपका द्रव्य है और ऊर्जा है द्रव्य समझते हो ना पदार्थ और आप हम लोग तो पदार्थ है क्योंकि हम लोग स्थान घेरते नहीं हमारे पास वजन है कि नहीं तो वैसी चीजें जो स्थान घेरती है, है, है उसे करते हैं।, हैं नेचर का मतलब होता है पदार्थ की बात करते, है। मतलब है, की बात करते हैं। सभी हम लोग भी क्या है एक पदार्थ है क्योंकि हम लोग जगह छेकते हैं वजन होता है तो कहते हैं कि नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी कभी कहते बड़ा अच्छा कि मैं ऊर्जावान होकर यानी नेचर ने जो हमको ओरिजिनल एनर्जी दिया है प्रकृति ने हमें ओरिजिनल एनर्जी दिया है प्रकृति ने हमें एक आ, क्या कहता है कि अंदर से एक ऊर्जा प्रदान किए कौन सी ऊर्जा है तो कहता कि मैं ऊर्जा मैं होकर मैं हर खतरे में अच्छा हो बुरा हो मैं बोलने का साहस करूंगा नेचर विदाउट चेक विथ देख रहे हो नेचर यानी प्रकृति को बिना विदाउट माने के बिना चेक विद चेक माने क्या बिना हम उसका जांच किए हुए ओरिजिनल एनर्जी जो मेरे पास भगवान ने मेरे ईश्वर ने मेरे प्रकृति ने नेचर ने जो ऊर्जा प्रदान की है मैं हर खतरे में अच्छा हो चाहे बुरा हो मैं बोलने का साहस करूंगा किस एनर्जी से जो हमारे नेचर ने हमें प्रदान किए तो आपने देखा कि हमारे कवि जो है स्पष्ट तौर पे कहते हैं ये चूंकि अमेरिका के रहने वाले इनका जन्म अठारह में हुआ था इनकी मृत्यु में ही हो गई थी और ये जो कुछ भी हो हमें दुखी नहीं होना चाहिए हमेशा खुश रहना चाहिए अपने आप में मगन रहना चाहिए अपने आप में जश्न मनाना चाहिए नहीं इसलिए फर्स्ट लाइन ही आपका स्टार्टिंग होती है बुक का गौर किए होंगे तो स्पष्ट तौर पे कभी कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माइ सेल्फ मैं खुद क्या करता हूं, मनाता हूं, मनाता हूं and sing myself. और मैं खुद को गाता हूं मैं अपने आप को गाता हूं मैं दूसरे के परवाह नहीं करता दूसरे के बारे में नहीं सोचता हूं ठीक है और कहते हैं कि एंड अजूम यू से इतना ही नहीं ये कहते हैं कि एंड व्हाट आई अजूम और मैं जो स्वीकार करता हूं यू सेल अज्यूम आप भी वैसा ही स्वीकार करते हूं फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू कहते हैं फॉर एवरी एटम जो हमारा शरीर प्रत्येक अनुपरमाणु से मिलकर बना है या मेरे अंदर जो अनुपरमाणु है एज गुड बिलोंग्स टू यू वैसा ही आप में भी होगा ऐसा नहीं कि मेरे में परमाणु अलग है आप में अनु अलग सबका तो मसल्स एक ही है ना सबकी बनावट आंतरिक तो एक ही है सबको किडनी है सबको है है नहीं है। सबके जो कह सकते हैं कि फेफड़े होते हैं मांसपेशियां होती है बस अंतर क्या है केवल ऊपरी बनावट में अंतर है क्या आंतरिक बनावट अंदर है ऐसा तो नहीं कि आप खुशी में रोते होंगे हम लोग हंसते होंगे सबकी सोच भी बिल्कुल तो समान नहीं होती है लेकिन वैसे ही चलती है आपकी उम्र में मैं जो सोचता वैसा ही आप इस उम्र में सोचते होंगे और आपके आगे जो पीढ़ी आएगी वो भी आपकी उम्र में वैसा ही सोचेंगे क्या ऐसा बदल जाएगा कि अभी तुम जो सोच रहे हो क्या आने वाला पीढ़ी आपकी उम्र में ऐसा नहीं सोचेगा ये नेचर है अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया क्या हो जाएगी समाप्त नहीं सब अगर अच्छाई की रास्ते पर चलने लगे तो दुनिया टिकेगा दोनों चीजों का होना जरूरी है अच्छाई भी होगा बुराई भी और तुम मत सोचना कि तुम ही ऐसा करते हो दुनिया में तुम्हारे जैसे सब करके आ गंगा माई की जय करके चले गए नहीं अलविदा हो गए तो फर्स्ट स्टेंजा का मैंने कुछ लाइन आपको समझाया लास्ट स्टेंजा पूरा पढ़ाया और चाहते हो कि फर्स्ट स्टेंजा पूरा पढ़े तो आप पार्ट जीरो टू में जाकर आप वीडियो को देख लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा तो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक बेहतरीन समरी तो बने रही इस चैनल पर और अगर आप नए व्यूवर्स हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको सूचना मिले थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग जय हिंद जय भारत